श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए जो निधि समर्पण का जो कार्यक्रम है पूरे जिले में पूरे विस्तार से हर गांव हर परिवार तक जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के अंतर्गत आज कनावटी खंड के गांव मालखेड़ा में जो मालखेड़ा मंडल है उसमें नेवड़ गांव में जो हमारा जो एक गरीब तबका जिसे हम कहते हैं या जो बांसड़ा समुदाय के जो परिवार जन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके बीच में हम सब आए हैं और जो उत्साह यहाँ इस बस्ती में जो देखा गया है वो सोचने के लिए ये मजबूर करेगा कि वास्तव में जो एक आस्था का जो केंद्र है राम जी, तो राम जी के लिए इन लोगों के मन में जो आस्था है वो आज यहाँ देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है और जो समर्पण निधि का जो भाव है उनके मन में है वो बढ़ चढ़कर उनके हिसाब से जितना बन पा रहा है वो सहयोग कर रहे हैं। ये आज देखकर हम सबको बहुत अच्छा लगा और चूँकि राम जी का विषय है तो राम जी सभी हिंदुओं के आराध्य हैं, तो ऐसे में ये तबका जी इस तरह से बढ़ चढ़कर आया इससे बहुत अच्छा लगा। नीमच जिले में जो संपूर्ण मालवा मध्य प्रदेश और देश में अभियान शुरू हुआ है उसका अभियान शुरू हो गया है। नीमच जिले में 75 मंडल 40 बस्ती और 600 से ऊपर गांव हैं। सभी गांव में जो ग्राम की अभियान समितियाँ बनी हैं वो एकदम शुरू हो गई। आज अभी हम इस बांसड़ा समुदाय के गांव में यहाँ पर भी निधि समर्पण के लिए आग्रह किया गया तो बड़ा उत्साह से भाई और बहनों ने उत्साह से समर्पण किया है। सब में उत्साह है और सबको ये पता है कि राम जी कहाँ जन्मे थे और राम जी के लिए मंदिर बनना है और हम सबकी आस्था का केंद्र है। ऐसा पूरे गांव वालों ने बढ़ चढ़कर हर घर से समर्पण किया है तो इसलिए सभी परिवारों में संपर्क किया जा रहा है और आज से अभियान शुरू हो गया है। क्या लगता है कि निधि समर्पण के लिए निचले श्रेणी के तत्व में जाया जाएगा, लोगों का सहयोग राम जी की जन्मभूमि सबका मिल लगे? जी, निचले से नीचे तबका मतलब संपूर्ण जिनकी आस्था राम पर है वो किस स्तर का है, किस परिवार का है, कैसी उसकी आर्थिक स्थिति, ये नहीं देखा जा रहा है। जागरण की दृष्टि से वो 10 रुपये दे, 100 रुपये दे, 1000 रुपये दे। अब जैसा कि कल नीमच में ही 651,000, 5 लाख, 1 लाख वाली भी बहुत सारी राशियाँ आई है, पर उनका जितना महत्व है उतना ही महत्व 10 रुपये देने वाले निचले तबके का व्यक्ति का भी है। ऐसा आग्रह है, श्रद्धा जागरण है, इस भाव से सबको लगे कि मंदिर में हमारा भी सहयोग है, इसलिए सभी दूर जा रहे हैं।